नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। खबर गौतम बुद्ध नगर से है, जहां मनीष ने अपने दोस्तों को घर में रात के वक्त पार्टी के लिए बुलाया था। पार्टी में लोगों ने शराब का सेवन किया और इसी दौरान मनीष और दीपक के बीच बहस हो गई। उस वक्त बाकी साथियों ने बीच बचाव पर लड़ाई रोक दी और दीपक अपने घर चला गया, जिसके बाद से दीपक की तबीयत खराब हो गई और जिसके बाद से उसको इलाज के लिए यथार्थ अस्पताल लेकर गए, जहां पर चेकअप करने पर पता चला कि दीपक के सर में ब्लड क्लॉटिंग है और उपचार के दौरान दीपक की मौत हो गई। कराना है कि थाना दलपोर के ग्राम मोहम्मदपुर गुर्जर में दीपक सिंह अपने मित्र मनीष सिंह, जो कि यूट्यूबर है, यूट्यूब चैनल बेचने की पार्टी में, वहां उसके घर पर पार्टी चल रही थी जिसमें ये भी शामिल था। अत्यधिक शराब के सेवन के पश्चात दोस्तों ने कहा सुनी हुई और एक पंच दीपक सिंह को लगा, जिसके पश्चात ये पार्टी छोड़ करके अपने घर चला गया। दो तीन घंटे बाद जब इसकी तबीयत खराब होने लगी तब इसको जिन अस्पताल ले गए, जहाँ पर इसको कोई जाहिरा चोट नहीं थी। तबीयत खराब होने पर इसको यथात हॉस्पिटल भर्ती कराया गया, जहाँ पर इसके सिर में क्लॉटिंग थी। क्लॉटिंग की वजह से ही इसकी मृत्यु हुई। सबका पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई करा करके अंतिम संस्कार भी संपन्न हो गया है। परिजनों की तहरीर पर इसमें संगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और इसमें दो व्यक्तियों को हिरासत में ले लिया गया है। शेष उनकी गिरफ्तारी का प्रयास। के बीच विवाद हुआ और इस विवाद के बाद से थोड़ा सा बहस हो गई, जिसके बाद से लोग अपने अपने घर चले गए। लेकिन जिसके उसके बाद से एक दोस्त की तबीयत भी गड़ गई और पता चला जब अस्पताल में उसको भर्ती कराया गया तो उसके ब्रेन में ब्लड क्लॉटिंग हो गई है, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। जिसके बाद से पुलिस मामले की छानबीन कर रही है कि पार्टी में ऐसा क्या हुआ था जिसके बाद से दीपक की अचानक तबीयत बिगड़ गई। फिलहाल मामला पुलिस के पास है और पुलिस पूरी तरीके से इसमें गहन छानबीन कर रही है। तो गौतम बुद्ध नगर से आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां पर दो दोस्तों के बीच एक पार्टी में विवाद हुआ, जिसके बाद से घर वापस लौटने पर एक दोस्त की तबीयत अचानक से बिगड़ गई और अस्पताल में भर्ती कराने पर पता चला कि उसके ब्रेन में ब्लड की क्लॉटिंग हो चुकी है, जिसके बाद जो उसकी मौत का कारण बन गई। हालांकि पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है और पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या कुछ वजह थी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो लखनऊ की ये तस्वीरें हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ आपको दिख रहे हैं, महात्मा गांधी की मूर्ति पर वो पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। पुण्यतिथि पर वो लखनऊ में पहुंचे, जहां उन्होंने महात्मा गांधी को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और साथ ही साथ उन्हें पुष्पांजलि भी अर्पित की। इस दौरान और भी कई लोग मौके पर दिख रहे हैं। तो महात्मा गांधी की, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बापू को याद किया और इस दौरान उन्हें श्रद्धांजलि भी दी, साथ ही पुष्पांजलि भी अर्पित की। तस्वीरें उस दौरान की ही आपको दिखा रहे हैं। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं, जहां पर उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी और साथ ही साथ पुष्प भी अर्पित किए। और दिल्ली के राजघाट पर पीएम मोदी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 76वीं पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। तो दिल्ली से आपको खबर दिखा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 76वीं पुण्यतिथि पर उन्हें याद किया, राजघाट पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पुष्पांजलि भी अर्पित की। भीड़ आप देख सकते हैं लोगों की, इस तरीके से सुबह सवेरे की ये तस्वीरें हैं, जहां पर महात्मा गांधी ने बापू की समाधि स्थल पर पहुंचकर उन्हें पुष्प अर्पित किए, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और इस दौरान उन्हें नमन करते हुए वो वहाँ पहुँचे। उस दौरान की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली पहुंचे, दिल्ली के राजघाट पहुंचे, जहां पर उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि स्थल पर पहुंचकर उन्हें पुष्प अर्पित किए, श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें नमन किया
और साथ ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी वहां पहुंची। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनके पुण्यतिथि पर याद करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। और दिल्ली के भारत मंडपम से पीएम मोदी ने परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में 3,000 छात्रों को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए। नमस्ते, अभी अभी मैं हमारे सभी विद्यार्थी साथियों ने कुछ न कुछ इनोवेशन किए हैं, अलग अलग प्रकार की आकृतियां बनाई हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को आकृतियों में ढालने का प्रयास किया है। जल थल नव और स्पेस और एआई, इन सभी क्षेत्रों में देश की भावी पीढ़ी क्या सोचती है, उसके पास कैसे कैसे सॉल्यूशंस हैं, ये सारी चीजें मुझे देखने का अवसर मिला। ऐसा लगा कि अगर मेरे पास 5-6 घंटे होते तो भी कम पड़ जाते। क्योंकि सबने एक से बढ़कर एक प्रस्तुति की है, तो मैं उन विद्यार्थियों को, उनके टीचर्स को, उनके स्कूल को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आपसे भी आग्रह करता हूं कि आप जाने से पहले उस एग्जीबिशन को जरूर देखें और उसमें क्या है उसको समझने की कोशिश करें, और अपने स्कूल में वापस जाने के बाद अपने जो अनुभव है वो जरूर और विद्यार्थियों के साथ शेयर करें। करेंगे? इधर से आवाज आई, उधर से नहीं आई, उधर से नहीं आई, करेंगे? मेरी आवाज सुनाई देती है ना? अच्छा, आपको पता है आप किस स्थान पर आए हैं? आप उस स्थान पर आए हैं जहां भारत मंडपम के प्रारंभ में दुनिया के सभी बड़े बड़े दिग्गज नेता 2 दिन बैठकर के यहां पर विश्व के भविष्य की चर्चा की थी। आज आप उस जगह पे हैं और आप भारत के भविष्य की चर्चा आज अपनी परीक्षा की चिंताओं के साथ साथ करने वाले हैं। और एक प्रकार से परीक्षा पे चर्चा एक कार्यक्रम मेरी भी परीक्षा होता है, और आप में से बहुत से लोग हैं जो हो सकता है कि मेरी परीक्षा लेना चाहते होंगे। कुछ लोग होंगे जेन्युइनली जिनको लगता होगा कि जरूर कुछ बातें ऐसी पूछी जाए जिस पर समाधान खुद को भी मिले औरों को भी मिले। हो सकता है हम सब सवालों को तो एड्रेस न कर पाए, लेकिन ज्यादातर उन सवालों के कारण बहुत से साथियों को समाधान हो जाएगा। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं, ज्यादा समय न गंवाते हुए। कहां से शुरू करना है? प्रधानमंत्री जी, आपके प्रेरक वचनों के लिए हार्दिक आभार। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल निकलेगा, जमीन बंजर हुई तो क्या वहीं से जल निकलेगा। कोशिश जारी रख कुछ कर गुजरने की, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल निकलेगा,
इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल निकलेगा। प्रधानमंत्री जी, आपका प्रेरक एवं ज्ञानवर्धक उद्बोधन हमें सदैव सकारात्मक ऊर्जा और विश्वास से भर देता है। आपके आशीर्वाद एवं अनुमति से हम इस कार्यक्रम का शुभारंभ करना चाहते हैं। धन्यवाद मान्यवर। प्रधानमंत्री जी, रक्षा, स्वास्थ्य और पर्यटन के क्षेत्र में भारत के सहयोगी अरब देश ओमान स्थित इंडियन स्कूल धारसेट की छात्रा डानिया शबू हमसे ऑनलाइन जुड़ रही है और आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती है। डानिया, कृपया अपना प्रश्न पूछिए। Respected Prime Minister, I am Dania Shabu Varghese of Class 10 from Indian School Darset, Oman. My question is, how do cultural and societal expectations contribute to the pressure students feel during examinations and how can these external influences be addressed? Thank you. धन्यवाद डानिया। सर, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की राजधानी दिल्ली स्थित गवर्नमेंट सर्वोदय बाल विद्यालय बुराड़ी से मोहम्मद अर्श हमसे ऑनलाइन जुड़ रहे हैं और आपसे अपने मन के संदेह का निवारण चाहते हैं। मोहम्मद अर्श, कृपया अपना प्रश्न पूछिए। माननीय प्रधानमंत्री जी, नमस्कार। मेरा नाम अर्श है। मैं GSBV बुराड़ी 12th एच का छात्र हूँ। मेरा आपसे प्रश्न ये है कि हम अपने परिवेश में परीक्षाओं को लेकर नकारात्मक चर्चाओं को कैसे संबोधित कर सकते हैं जो हमारी पढ़ाई और अच्छा प्रदर्शन करने की क्षमता को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है। क्या छात्रों के लिए अधिक सकारात्मक और सहायक वातावरण बनाने के लिए कदम उठाए जा सकते हैं? धन्यवाद। थैंक यू मोहम्मद। ओमान से डानिया शबू और दिल्ली से मोहम्मद अर्श तथा हमारे जैसे अनेक विद्यार्थी समाज और आसपास के लोगों की एक्सपेक्टेशंस के प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाते, कृपया उनका मार्गदर्शन करें। शायद मुझे बताया गया कि ये परीक्षा पे चर्चा का 7वां एपिसोड है और जितना मुझे याद है मैंने देखा है कि ये प्रश्न हर बार आया है और अलग अलग तरीके से आया है। इसका मतलब ये है कि 7 साल में 7 अलग अलग बैचेज इस परिस्थितियों से गुजरी है और हर नई बैच को भी इन्हीं समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अब विद्यार्थियों की बैच तो बदलती है लेकिन टीचर की बैच इतनी जल्दी बदलती नहीं है। अगर टीचर्स ने इन अब तक जितने मेरे एपिसोड हुए हैं उसमें मैंने इन बातों का जो वर्णन किया है अगर उसका कुछ न कुछ उन्होंने अपने स्कूल में एड्रेस किया हो तो शायद हम इस समस्या को धीरे 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 कम कर सकते। उसी प्रकार से हर परिवार में ज्यादातर हो सकता है बड़े बेटे ने या बेटी ने पहले एक आध बार ट्रायल हुआ हो लेकिन उनके लिए ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन हर माँ बाप ने किसी न किसी रूप में इस समस्या को जरूर अनुभव किया है। अब सवाल यह है कि इसका समाधान क्या हो। हम ये तो नहीं कह सकते भाई स्विच ऑफ, प्रेशर बंद, ऐसा तो नहीं कर सकते। तो हमने अपने आप को एक तो किसी भी प्रकार के प्रेशर को झेलने के लिए सामर्थ्यवान बनाना चाहिए। रोते बैठना नहीं चाहिए, मान के चलना चाहिए कि जीवन में आता रहता है, दबाव बनता रहता है तो खुद को तैयार करना पड़ता है। अब जैसे कभी आप उस स्थान पे जाते हैं जहां ठंड ज्यादा है और आप किसी गर्म इलाके में रहते हैं तो आप मन को तैयार करते हैं कि आज
अब मुझे 3-4 दिन के बाद ऐसे इलाके में जाना है जहां ठंड ज्यादा है, तो मन से आप तैयार करते हैं तो धीरे धीरे लगता है, पहुंचने के बाद कभी लगता है यार मैंने तो सोचा था उससे तो ठंड कम है, क्योंकि आपने मन से तय कर लिया है। और इसलिए आप टेम्परेचर कितना है कितना नहीं वो देखने की जरूरत नहीं पड़ती, आपका मन तैयार हो जाता है। वैसे ही दबाव को हमने अपने तरीके से मन से एक बार इस स्थिति से जीतना है, एक तो संकल्प करना होता है, दूसरा ये जरा दबाव के प्रकार देखें। एक तो दबाव होता है खुद ने ही जो अपने लिए तय करके रखा है कि सुबह 4 बजे उठना ही उठना है, रात को 11 बजे तक पढ़ना ही पढ़ना है, आपने तो इतने आंसर सॉल्व करके ही जीतना है, और बड़ा दबाव खुद ही अनुभव करते हैं। मैं समझता हूं हमने उतना स्ट्रेच नहीं करना चाहिए कि जिसके कारण हमारी एबिलिटी ही टूट जाए, हमने स्लोली इंक्रीमेंट करना चाहिए। चलिए भाई कल मैंने 7 क्वेश्चन सॉल्व किए थे रात को, आज 8 करूंगा, फिर मुझे वरना मैं 15 तय करूं और 7 ही कर पाऊं तो सुबह उठता है यार देखो कल तो कर नहीं पाए आज करूंगा, तो एक खुद भी दबाव के प्रेशर पैदा करते हैं। हमने इसको थोड़ा साइंटिफिक तरीके से कर रहे थे। दूसरा माँ बाप प्रेशर पैदा करते हैं, ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया, क्यों सोता रहा, चलो जल्दी उठते नहीं हो, पता नहीं एग्जाम है, और यहां तक कहते हैं देख वो तेरा दोस्त क्या करता है तू क्या करता है। ये सुबह शाम जो कमेंट्री चलती है रनिंग कमेंट्री, और कभी माँ थक जाती है तो पापा की कमेंट्री शुरू होती है, कभी पापा थक जाते हैं तो बड़े भाई की कमेंट्री शुरू हो जाती है, और वो अगर कम पड़ता है तो स्कूल में टीचर की। फिर या तो कुछ लोग ऐसे हैं जा तुमको जो करना है कर लो मैं अपना ऐसे ही रहूंगा, कुछ लोग इसे सिंसर लेते हैं, लेकिन ये दबाव का दूसरा प्रकार है। तीसरा ऐसा भी होता है कि जिसमें कारण कुछ नहीं समझ का अभाव है, और बिना कारण उसको हम संकट मान लेते हैं, जब एक्चुअली करते हैं तो लगता है नहीं यार इतना मुश्किल नहीं था, मैंने बेकार में दबाव झेलता रहा। तो मुझे लगता है कि एक तो इनको पूरे परिवार ने टीचर ने सबने मिलकर के एड्रेस करना होगा, सिर्फ स्टूडेंट एड्रेस कर लेगा, सिर्फ पेरेंट्स एड्रेस कर लेंगे, इतने से बात बननी नहीं है। और मैं मानता हूं कि ये लगातार परिवारों में भी बातचीत होती रहनी चाहिए, हर परिवार ऐसे स्थितियों में कैसे हैंडल करता है उसकी चर्चाएं होनी चाहिए, उसकी एक सिस्टमेटिक थियोरी के बजाय हमने धीरे धीरे चीजों को इवॉल्व करना चाहिए। अगर ये इवॉल्व करते हैं तो मुझे पक्का विश्वास है कि हम इन चीजों से बाहर निकल के आते हैं। धन्यवाद। पीएम सर, प्रेशर झेलने का मार्ग सुझाने के लिए आपका धन्यवाद। वीर सावरकर के बलिदान के साक्षी एवं अनुपम प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध अंडमान निकोबार द्वीप समूह से एक अभिभावक भाग्य लक्ष्मी जी हमसे वर्चुअल माध्यम से जुड़ रही हैं। भाग्य लक्ष्मी जी अपना प्रश्न पूछिए। माननीय प्रधानमंत्री जी नमस्कार।
एक अभिभावक होने के नाते मेरा आपसे सवाल है कि छात्रा पर जो पीर प्रेशर रहता है, जो कि एक तरह से दोस्ती की सुंदरता छीन लेता है और छात्राओं को अपने ही दोस्तों के साथ प्रतिस्पर्धा करा देता है, उस पर आपकी क्या राय है? कृपया मुझे समाधान दें। धन्यवाद। धन्यवाद भाग्यलक्ष्मी जी। विश्व को सत्य, अहिंसा और धर्म की त्रिमूर्ति प्रदान करने वाली भूमि गुजरात स्थित पंचमहल के जवाहर नवोदय विद्यालय की छात्रा दृष्टि चौहान प्रधानमंत्री जी आपसे अपनी समस्या का हल जानना चाहती हैं। दृष्टि, कृपया अपना प्रश्न पूछिए। माननीय प्रधानमंत्री जी नमस्कार, मैं दृष्टि चौहान जवाहर नवोदय विद्यालय पंचमहल में कक्षा 6 की छात्रा हूँ। मेरा आपसे यह प्रश्न है कि कभी कभी परीक्षा के प्रतिस्पर्धी माहौल में दोस्तों के साथ प्रतिस्पर्धा भी अधिक दबाव पैदा करती है। कृपया सुझाव दें कि इससे कैसे बचा जा सकता है। आप मुझे इस पर अपना मार्गदर्शन प्रदान करें। धन्यवाद सर। धन्यवाद दृष्टि। नेचुरल ब्यूटी से भरपूर, बारिश की पहली बूंदों से भीगने वाला राज्य केरल में स्थित केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 कालीकट से स्वाति दिलीप हमसे ऑनलाइन जुड़ रही हैं और आपसे अपना प्रश्न पूछना चाहती हैं। स्वाति, कृपया अपना प्रश्न पूछिए। नमस्कार ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर, आई एम स्वाति दिलीप, अ क्लास 11 स्टूडेंट फ्रॉम पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 कैलिकेट ऑफ एर्नाकुलम रीजियन। सर, कुड यू प्लीज गाइड अस ऑन हाउ इन दिस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड वी कैन अवॉइड अनहेल्थी एंड अननेसेसरी कॉम्पिटिशन and also how to not take peer pressure into our heads. Thank you, sir. धन्यवाद स्वाति। प्रधानमंत्री जी, कृपया भाग्य लक्ष्मी जी, दृष्टि और स्वाति द्वारा पूछे गए प्रश्नों में पीयर प्रेशर और कॉम्पिटिशन से होने वाली चिंता तथा इसके कारण रिश्तों में आने वाली कड़वाहट से कैसे बचें, कृपया मार्गदर्शन कीजिए। अगर जीवन में चुनौतियां न हो, स्पर्धा न हो, तो फिर जीवन बहुत ही प्रेरणाहीन बन जाएगा, चेतनाहीन बन जाएगा। कंपटीशन होनी ही चाहिए, लेकिन जैसे एक सवाल में पूछा कालीकट से बच्ची ने, हेल्दी कंपटीशन, इसलिए कंपटीशन हेल्दी होना चाहिए। अब आपका जो सवाल है वो जरा डेंजर है और वो मुझे चिंता कराता है। शायद मुझे भी इस परीक्षा पे चर्चा पे इस प्रकार का सवाल पहली बार आया है। देखिए, कभी कभी इस प्रवृत्ति का जहर, ये बीज पारिवारिक वातावरण में ही बो दिया जाता है। घर में भी माँ बाप, दो बच्चे हैं तो दोनों के बीच में कभी एक के लिए अच्छा बोलेंगे, कभी दूसरे के लिए, तो कभी उन दो भाई बहन में भी या दो भाई में भी या दो बहनों में भी, देखिए माँ ने उसको तो ये कह दिया और मुझे ऐसा कह दिया, एक इस प्रकार की विकृत स्पर्धा का भाव जाने अनजाने में परिवार के रोजमर्रा के जीवन में बो दिया जाता है। और इसलिए मेरी सभी पेरेंट्स से आग्रह है कि कृपा करके बच्चों की इस प्रकार की कंपैरिजन, अपने ही संतानों की ऐसी कंपैरिजन मत कीजिए, उसके अंदर एक द्वेष का भाव पैदा कर देते हैं और वो परिवार में भी कभी न कभी लंबे समय के बाद वो बीज एक बहुत बड़ा जहरीला वृक्ष बन जाता है। उसी प्रकार से मैंने बहुत पहले एक वीडियो देखा था, शायद आप लोगों ने भी देखा होगा, कुछ दिव्यांग बच्चे उनकी एक कंपटीशन में सब दौड़ रहे हैं, 12-15 बच्चे अलग अलग, किसी दिव्यांग है तो कठिनाइयां है, लेकिन वो दौड़ रहे हैं। इतने में एक बच्चा गिर जाता है।
अब ज्यादा बुद्धिमान लोग होते तो क्या करते? वाह, ये तो गया, चलो यार, एक तो स्पर्धा में कम हो गया। लेकिन उन बच्चों ने क्या किया, सबके सब जो आगे चले गए थे वो भी पीछे आए, जो दौड़ रहे थे वो भी रुक गए, पहले उन सब ने उसको खड़ा किया और फिर दौड़ना शुरू किया। सचमुच में ये वीडियो दिव्यांग बच्चों के जीवन का भले होगा, लेकिन हम लोगों को भी ये बहुत बड़ी प्रेरणा और बहुत बड़ा संदेश दे देता है। अब तीसरा विषय है कि आपके दोस्त से आपको